Hello everyone, Kannada International School Vashim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello students, today we are going to start third lesson of EVS for first standard. Look at this picture. Kya hai ye? This is a picture of a house. Ghar ki picture hai. That is the name of our lesson, Home and Around. Hamara ghar aur uske aaspaas ka एरिया, उसके बारे में हमें इस लेसन में सीखना है. सी दी हाईलाइट्स. फर्स्ट इज माय हाउस. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माय हाउस मींस मेरा घर. एंड सेकेंड थिंग माय नेबरहुड मींस मेरा अड़ोस पड़ोस. डियर चिल्ड्रेन, हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव विथ अवर फैमिली. हमारा घर एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग किसके साथ रहते हैं, हमारी फैमिली के साथ, मींस हमारे परिवार के साथ रहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस एंड कीप्स अस कम्फर्टेबल. हाउस क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमारी सुरक्षा करता है और हमें कम्फर्टेबल रखता है, हमें आरामदायक रहने में हाउस हमारी हेल्प करता है. लेट्स सॉल्व वन जंप स्टार्ट. सी क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स. सी फर्स्ट वन, आई लिव एट ब्लैंक विथ माई ब्लैंक. हम लोग कहाँ पर रहते हैं, घर पे, राइट. सो आई लिव एट होम और किसके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ, विथ माई फैमिली. सी सेकेंड, माई फेवरेट रूम एट होम इज ब्लैंक. आपकी होम में कौन सी रूम फेवरेट है, कौन सा कमरा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. माई फेवरेट रूम इज लिविंग रूम, क्योंकि वहाँ पे टीवी होता है. सो आई राइट हियर लिविंग रूम. आपकी जो फेवरेट रूम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. सी द थर्ड वन, फूड इज़ कुक्ड इन द. खाना हम लोग कौन से रूम में बनाते हैं, रसोई घर में. इट मीन्स कहाँ पे, किचन में. सो फूड इज़ कुक्ड इन द किचन. नेक्स्ट वन, आई टेक बाथ इन. आप लोग कहाँ पे नहाते हो, बाथरूम में. सो द आंसर इज बाथरूम. एंड नेक्स्ट, वी स्लीप एंड रेस्ट इन द ब्लैंक. हम लोग कहाँ पे सोते हैं और आराम कौन से रूम में करते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं, बेडरूम. सो आई स्लीप एंड रेस्ट इन द बेडरूम. नाउ लेट स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज माई हाउस मीन्स मेरा घर. फर्स्ट टेल मी, हाउ मेनी रूम्स डू यू हैव इन योर हाउस. आपके घर में कितने रूम हैं. हर एक के घर में अलग अलग रूम्स हो सकते हैं, किसी के घर में एक, दो, तीन या फिर मोर देन दैट. जितने रूम्स हैं उतने काउंट करो. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. वॉट इज़ दिस, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक लड़की है और एक हाउस है. कौन है ये, दिस इज सुधा. द नेम ऑफ दिस गर्ल इज सुधा. ये है सुधा एंड दिस इज सुधाज हाउस. और ये जो घर आपको दिख रहा है इस इमेज में, ये सुधा का घर है. सी दिस. नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट सुधाज हाउस. सी द सेकेंड पिक्चर. देखो यहाँ पे, ये है सुधा, ये उसके पेरेंट्स और ये सुधा का हाउस. सुधा लिव्स इन दिस हाउस विथ हर पेरेंट्स. सुधा इस घर में रहती है, किसके साथ रहती है, उसके पेरेंट्स के साथ, मीन्स उसके मम्मी डैडी के साथ रहती है. देयर आर मेनी रूम्स इन हर हाउस. उसके घर में बहुत सारे रूम्स हैं इस घर में. लेट्स सी ऑल दैट रूम्स वन बाय वन. सी दिस पिक्चर. दिस इज अ लिविंग रूम. ये पिक्चर में जो आप लोग को दिख रही है ये कौन सी रूम है, ये लिविंग रूम है. क्या क्या है यहाँ पे, सी यहाँ पे सोफ़ा है, कबर्ड है, टीवी है. और ये लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं. सुधा एंड हर पेरेंट्स वॉच टेलीविजन एंड रिलैक्स हियर. लिविंग रूम में वो सब क्या करते हैं, टीवी देखते हैं और आराम करते हैं. सी द नेक्स्ट रूम, दिस इज स्टडी रूम. देखो ये पिक्चर, यहाँ पे क्या दिख रही है, सुधा क्या कर रही है, शी इज स्टडिंग, बुक रीड कर रही है, राइट. ऐसे रूम जिसमें आप लोग स्टडी करते हो, उस रूम को क्या बोलते हैं, स्टडी रूम. सो दिस इज सुधाज स्टडी रूम. सुधा डज हर होमवर्क हियर. सुधा क्या करती है यहाँ पे, जो भी स्कूल में से उसको होमवर्क मिलता है वो इस रूम में करती है. सी द नेक्स्ट रूम, दिस इज किचन. ये रूम देखो, ये कौन सा रूम है, किचन है, मीन्स रसोई घर है. सुधाज पेरेंट्स कुक फूड हियर. सुधा के पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं. सी दिस, सुधाज मदर एंड सुधाज फादर आर कुकिंग. देखो यहाँ पे कुकिंग अप्लायंस है और वो क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं. दिस इज अ किचन. सी द नेक्स्ट रूम,
दिस इज द डाइनिंग रूम. ये कौन सी रूम है उनकी? डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम में क्या कर रहे हैं वो लोग? सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं. दिस इज द पर्पज ऑफ डाइनिंग रूम. सुधा एंड हर पेरेंट्स ईट हियर. वो क्या करते हैं यहाँ पे? सब लोग डाइनिंग रूम में साथ में बैठ के खाना खाते हैं. सीधी नेक्स्ट रूम. दिस इज सुधाज बेडरूम. सीधी इस पिक्चर. ये क्या है? सुधा की बेडरूम है. क्या है यहाँ पे? एक बेड है और वो क्या कर रही है? सो रही है. दिस इज कॉल्ड एज बेडरूम. शी रेस्ट एंड स्लीप्स हियर. वो क्या करती है बेडरूम में? आराम करती है और सोती है. सीधी नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज बाथरूम. सुधा बाथ हियर. ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सिंक है, शॉवर है. दिस मीन्स ये क्या है? बाथरूम. और वो क्या करती है यहाँ पे? नहाती है. दीज आर ऑल रूम्स इन सुधाज हाउस. सुधा लव्स हर हाउस. सुधा को उसका घर बहुत प्यारा लगता है. एवरी हाउस इज स्पेशल टू द पीपल हु लिव इन इट. हर एक घर हमेशा खास होता है जो भी उसमें रहते हैं उन सब के लिए. अ हाउस गिव्स अस शेल्टर एंड कीप्स अस सेफ. घर हमें क्या देता है? शेल्टर मीन्स आश्रय, और सेफ मीन्स सुरक्षित रखता है हमें. हम हमारे घर में सुरक्षित रहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. हमारा घर हमारी रक्षा करता है. किससे रक्षा करता है? गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, तूफान से, वाइल्ड एनिमल्स से और चोरों से भी हमारा घर हमारी रक्षा करता है. सो ईच एंड एवरी हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्पेशल फॉर अस. नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ हाउसेस. देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस. कितने टाइप्स है हाउस के? टू टाइप्स मीन्स दो टाइप्स है. कौन से है? वन इज कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. एक है कच्चा हाउस एंड सेकेंड वन इज पक्का हाउस. लेट्स सी देम इन डिटेल. सी दी फर्स्ट वन. कच्चा हाउसेस. किसको बोलते हैं कच्चा हाउसेस? कच्चा हाउसेस आर मेड विथ मड, वुड, बाम्बू एंड स्ट्रॉ. ऐसे हाउसेस जो गीली मिट्टी, लकड़ी, बाम्बू और स्ट्रॉ से बने हुए होते हैं उस हाउसेस को हम लोग बोलते हैं कच्चा हाउसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ कच्चा हाउसेस आर हट्स एंड बाम्बू हाउसेस. कच्चा हाउसेस के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? हट्स एंड बाम्बू हाउसेस. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हट. ये क्या है? झोपड़ी की पिक्चर है. किससे बनी है ये? मड यूज हुआ है, वुड एंड स्ट्रॉज. दिस इज अ कच्चा हाउस. और कच्चा हाउस ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होते. सी दी सेकेंड इमेज. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बाम्बू हाउस. ये ऐसा घर है जो बाम्बू से बनता है. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. नाउ लेट्स सी सेकेंड टाइप ऑफ हाउसेस, दैट इज पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेस किससे बनते हैं फिर? लेट्स सी. पक्का हाउसेस आर मेड विथ सीमेंट एंड ब्रिक्स. सीमेंट और ईंटों से जो हाउसेस बनते हैं उनको बोलते हैं पक्का हाउसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउसेस आर बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स. पक्का हाउसेस के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स. सी दिस पिक्चर. ये क्या है? बंगलो है. बंगलो मतलब ऐसा घर जो ग्राउंड फ्लोर पे बना होता है, एक या फिर दो मंजिल होती है और उसके सामने लॉन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. और वो किससे बनता है? सीमेंट से और ब्रिक्स से. दिस इज अ बंगलो. और बंगलो एग्जाम्पल है पक्का हाउस का. सीधी सेकेंड पिक्चर. अपार्टमेंट्स. अपार्टमेंट्स मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसपे एक पर एक मंजिल होती है और बहुत सारे लोग सेम स्पेस शेयर करते हैं रहने के लिए. दिस इज कॉल्ड एज अपार्टमेंट. और उसको हम लोग फ्लैट सिस्टम भी बोलते हैं. ये भी किसका एग्जाम्पल है? पक्का हाउस का एग्जाम्पल. नाउ लेट्स सी वन फैक्ट. सी दिस पिक्चर. ये क्या है? किसकी पिक्चर है? दिस इज अ राष्ट्रपति भवन. देयर आर 340 रूम्स इन द राष्ट्रपति भवन. कहाँ पे है हमारा राष्ट्रपति भवन? दिल्ली में. उसमें 340 रूम्स है, मतलब 340 कमरे हैं. नाउ लेट्स सॉल्व वन एक्सरसाइज. जो हमने हाउस के टाइप्स देखे उस पर डिपेंड वन एक्सरसाइज है. लेट्स सॉल्व दैट. सी क्वेश्चन नंबर वन. लिस्ट टू प्रॉब्लम्स दैट यू वुड फेस इफ यू डिड नॉट लिव इन अ हाउस. अगर हम लोग घर में नहीं रहेंगे तो दो प्रॉब्लम्स आपको बताने हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे. कौन से हैं दो प्रॉब्लम्स? सी द आंसर. फर्स्ट वन इज गेट वेट इन द रेन. अगर बारिश आ गई और हमारे पास घर ही नहीं हो तो हम लोग गीले हो जाएंगे, राइट? एंड सेकेंड इज फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जो जंगली जानवर होते हैं वो हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो.
these two problems we can face if we don't live in a house. Now see the second question. What kind of house do you live in? आप कौन से टाइप के घर में रहते हो, पक्का हाउस या फिर कच्चा हाउस? मैक्सिमम हम लोग कौन से घर में रहते हैं जो ईंटों से और सीमेंट से बना होता है, सो दैट इज़ अ पक्का हाउस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई लिव इन पक्का हाउस. सी क्वेश्चन नंबर 3. नेम टू थिंग्स यूज्ड टू बिल्ड अ कच्चा हाउस. कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन सी चीज़ें लगती है, उसमें से कोई भी दो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है. कौन सी चीज़ें लगती है? मड, वुड, स्ट्रॉ और बाम्बू. उसमें से कोई भी दो आप यहाँ पे लिख सकते हो. सी क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम्स ऑफ द रूम्स दैट यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उस पिक्चर में कौन सी रूम दिख रही है आपको, वो आइडेंटिफाई करके नीचे स्पेस है उस पर लिखना है. सी ए नंबर, कौन सी रूम है ये? यहाँ पे एक गर्ल है जो क्या कर रही है, खाना खा रही है. और खाना कौन से रूम में खाते हैं? डाइनिंग रूम में. सो दिस मस्ट बी अ डाइनिंग रूम. सी द सेकेंड पिक्चर बी. यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? खाना बना रहे हैं, राइट? कुकिंग कर रहे हैं. सो कुकिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं? किचन में करते हैं. सो दिस इज़ अ किचन. सी द थर्ड पिक्चर, क्या है यहाँ पे? एक बेड है और कोई यहाँ पे सो रहा है. बेड कहाँ पे होता है? बेडरूम में. सो दिस मस्ट बी अ बेडरूम. एंड लुक एट द लास्ट वन. ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठ के खेलते हैं वो कौन सी रूम होती है? ड्राइंग रूम. सो वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अवर लेसन इन नेक्स्ट वीडियो.